भाजयुमो ने सीएम का फूका पुतला, भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। प्रियंका गांधी करेंगी बस्तर का दौरा, प्रियंका कांग्रेसियों में भरेगी जोश। मासमुंद में किसानों ने दिया सांकेतिक धरना, चक्का जाम की भी दी चेतावनी। सूरजपुर दौरे पर संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जगदलपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन, सीएम भूपेश बघेल पर लगाया आरोप। नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा के जिला मुख्यालय के बस स्टैंड चौक में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला फूका और भाजयुमो के जिलाध्यक्ष कृणाल सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के बेमेतरा जिले के बीरनपुर ग्राम में एक युवक की निर्मम हत्या जिहादियों ने कर दी। इस विवाद की जानकारी शासन प्रशासन को पहले से ही थी, यदि वो चाहते तो उस घटना को रोका जा सकता था। वर्तमान समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों मौन धारण किए हुए हैं। इस विषय को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, भाजपा के आदरणीय अरुण साव जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रवि भगत जी का आगमन हुआ उनके गांव में और उनसे उनके परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में 3 किलोमीटर पहले ही उनको पुलिस विभाग के द्वारा उठा लिया गया और उनकी पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब ये देखते बनता है ये बात कि छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश की सरकार आई है और सीएम भूपेश बघेल जी बने हैं, तब से लगातार गुंडागर्दी का यह दौर जारी है और यदि कोई सांत्वना की भी बात आती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस सूरजपुर ज़िले में भूपेश बघेल जी का और उनके गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जी का पुतला दहन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में। निश्चित ही ये लड़ाई जारी रहेगी और जब तक ऐसे घटना होते रहेंगे। जगदलपुर में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की महिला विरोधी नीतियों से थककर आम महिलाओं के हित के लिए बस्तर के भाजपा महिला मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा का कहना है कि विधानसभा चुनाव जन घोषणा पत्र के अनुसार शराबबंदी नहीं की गई, स्वसहायता समूह महिलाओं का कर्ज भी माफ नहीं किया गया, रेडी टू ईट का काम गरीब महिलाओं से छीन लिया गया। तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के नाम तहसीलदार पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। विरोध करते हैं प्रियंका वाड्रा जी का और इस कांग्रेस सरकार का, क्योंकि प्रियंका वाड्रा जी का कल आगमन हो रहा है बस्तर, ऐसा पता चला तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या वो यहाँ गाँव के लिए खड़े होंगी क्या, कि यहाँ कांग्रेस सरकार के राज में आज अपराध बढ़ रहा है, महानगर नशाखोरी अधिक बढ़ है, वहाँ पर हत्या हो रही है, दिन दहाड़े एक को मारा जा रहा है, अत्याचार की घटनाएं छोटे छोटे बालिका साथ हो रही है और सरकार मौन धारण करे हुए, तो क्या वो इनके लिए आवाज देंगी या महिलाओं के लिए खड़े रहेंगी। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत भाजपा ने सुखी जीवन का आधार मिलिट्रेट और जैविक खेती को लेकर शहर में जन जागरण अभियान चलाया और बैनर पोस्टर के साथ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संजय बाजार क्षेत्र में पहुंचकर दुकानदार, आमजन और ग्रामीणों को मिलेट्स और जैविक खेती के लाभ और उपयोगिता के बारे में बताया। तो वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पैम्पलेट्स भी बांटे और खान पान में मिलेट्स अपनाने की अपील भी की।
जगदलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रियंका गांधी का बस्तर दौरे से कांग्रेसी उत्साहित हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का दौरा कांग्रेस की जीत का बिगुल साबित हो सकता है। तो वहीं प्रियंका गांधी के साथ मंच को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। हम बस्तर के जगदलपुर शहर में हैं, जहां लालबाग मैदान पे प्रियंका गांधी के प्रथम बस्तर आगमन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लाखों की भीड़ उमड़ने की पूरी संभावना है एवं कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता इसमें पूरे जुनून और जोश के साथ जुड़े हुए हैं। मासमुंद के पिथौरा क्षेत्र के किसान कुछ पटवारियों के रवैये से परेशान होकर जनपद परिसर पिथौरा में किसानों ने पटवारियों के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि अगर पटवारी अपने नवीन पदस्थापना में नहीं जाते हैं तो आने वाले 17 अप्रैल को राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में परचक्का जाम करेंगे, जिसकी जवाबदेही पटवारियों की होगी। बता दें कि पिथौरा के पटवारी डायमंड साहू और कमलेश ढेरे के खिलाफ किसानों ने आरोप लगाया है कि पटवारी किसानों से काम के एवज में मोटी रकम की मांग करते हैं। साथ ही किसानों ने बताया कि ऑनलाइन रिकॉर्ड से पटवारी छेड़छाड़ करते हैं और सुधार करने के लिए पैसों की मांग भी करते हैं। लेकिन जस्ट इसके विपरीत गरीब किसानों से पैसे की मांग डहरे पटवारी और डायमंड पटवारी पिछले कई दिनों से कई सालों से यहां पर पदस्थ हैं और कर रहे हैं, और हजार दो हजार नहीं, इन लोग लाखों के लाखों रुपए, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 50 हजार ऐसे मांग गरीब किसानों से कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के किसान त्रस्त थे और ये आक्रोश बहुत बढ़ता जा रहा था। उस आक्रोश को देखते हुए अनुभागीय अधिकारी ने इनका हल्का परिवर्तन कराया है, लेकिन इन पटवारियों ने अपने संघ के दबाव में उस परिवर्तन को रोक लगा के अभी तक रखे हुए हैं। आज दिनांक तक कोई रोक नहीं हुआ है, उनका रिलीफ नहीं हुआ है। पटवारी में बहुत पैसा लेते थे। कौन कौन पटवारी मन पैसा? डायमंड पटवारी और डहरे पटवारी। तो क्या मांग है आप मन के? सूरजपुर में संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े अपने भटगांव विधानसभा क्षेत्र के जूर सहित कई गांवों के दौरे पर रहे, जहां जूर आगमन पर युवा नेता कलाम अंसारी के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई और भव्य स्वागत किया गया। वहीं संसदीय सचिव ने कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया, साथ ही स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना, जहाँ संसदीय सचिव ने कई निर्माण कार्यों की सौगात भी दी और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। सभी जगह जब ग्राम में जाते हैं तो ग्राम में लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना, यही मुख्य प्राथमिकता है। और जो आवश्यक है, जिसके लिए इन्होंने मांग किया, जैसे जूर, जूर में पंचायत भवन की आवश्यकता थी, जूर में सार्वजनिक जगह पर शीतल पेय की आवश्यकता थी, और यहाँ पर हम लोगों ने एक पुलिया का और शेड निर्माण का भी भूमि पूजन किया। बेमित्रा के बीरनपुर गांव में हुए हिंसा और खूनी खेल से जहां पूरा छत्तीसगढ़ सहमा हुआ है, वहीं पुलिस और जिला प्रशासन भी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों सहित संवेदनशील जिला कवर्धा कबीरधाम में पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से भेंट कर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पत्रकारों सहित जिलेवासियों से अनुरोध किया है कि कवर्धा कबीरधाम जिले में पहले से ही दो विशेष समुदाय के बीच माहौल खराब है। वहीं कवर्धा कबीरधाम जिला और बेमित्रा एक ही सीमावर्ती जिला है, साथ ही घटनास्थल गांव बीरनपुर कवर्धा कबीरधाम जिले से सटा हुआ है, जिससे कवर्धा कबीरधाम जिले में पुलिस सहित जिला प्रशासन की टीम सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैदी के साथ व्यवस्था बनाए हुए है। साथ ही जिले के भीतर अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने बैरिगेट्स लगाकर सुरक्षा में तैनात है। वहीं जिले के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाएं बनाकर बैरिगेट्स और आवाजाही वाहनों की चेकिंग कर व्यवस्थित सुरक्षा लगाई गई है। साथ ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील के साथ सोशल मीडिया में गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। लगाई गई है जो बॉर्डर जो लगे हुए बेमित्रा जिले के गांव हैं, और जो बॉर्डर हमारे जो दूसरे स्टेट से लगे हैं वहां पे लगातार सर्विलेंस रखा गया है।
बाहरी जो भी व्यक्ति है आने और उनसे पूछताछ की जा रही है और इसको सघन सर्विलेंस में रखा गया। इसके अलावा फोर्स की मौजूदगी है यहाँ पर और जितने भी चिन्हांकित संवेदनशील एरिया है, धार्मिक स्थल है, उसको बिल्कुल देखा जा रहा है और कोई अभी तक की कोई घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और ना ही ऐसी स्थिति आने की नौबत आएगी क्योंकि हमारी सारी तैयारी है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से जो सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक खबरें आती है, काम हो वही उस रास्ते का उपयोग करें, अदरवाइज हम लोगों के द्वारा उधर बेमेतर के जाने वाले रोड को सील किया गया है, बहुत ही आवश्यक होने पर उसको अनुमति दी जाएगी। दूसरा हो गया कि उससे लगे हुए कुछ संवेदनशील ग्रामों की चिन्हांकित किया गया है और उन सभी गांवों पर हम लोगों के द्वारा फिक्स पिकेटिंग के माध्यम से फोर्स, अतिरिक्त फोर्स बैठाया गया है। गाँव के दोनों पक्षों को लेकर के लगातार हम लोगों के द्वारा बैठकें की जा रही ताकि प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक और भाजपा के नेता प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर पर है, जिसे दिल्ली हाई कमांड ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है और आगामी चुनाव में बस्तर क्षेत्र से भाजपा की सरकार बनना असंभव है। बस्तर इस तरह से या फिर बस्तर की मऊआ, बस्तर की लड्डू, ये बात करें तो वास्तव में अगर छत्तीसगढ़ का रोल मॉडल अगर बना है, छत्तीसगढ़ पूरे देश में बस्तर के प्रोडक्ट से बना है, बस्तर की लोगों को जो बनाया हुआ जो सामान है उससे बना है, इसलिए कहीं डैमेज कंट्रोल की सवाल ही नहीं है। बस्तर कांग्रेस मजबूत है, बस्तर में यहाँ की जनता चाहती है, अच्छा काम हुआ है पिछले 5 साल में जो हमारे 4.5 साल कार्यकाल में, तो उसको देखते हुए कहीं भी बस्तर की जनता में नाराजगी या कहीं भी कुछ नहीं है, बल्कि बस्तर की जनता उत्साहित है। बस्तर की जनता चाह रही कि आने वाला 2-6 महीने के बाद जो 2023 में लास्ट चुनाव होगा तो हम 12 के 12 सीट फिर जीत के आएंगे, बल्कि कोई डैमेज नहीं। बल्कि मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी आने के बाद, इतने बड़े प्रोग्राम के होने के बाद, तो रुपये का लोन हम सबके ऊपर ना, आपके ऊपर भी जो पत्रकार यहाँ खड़े हैं, आप सबके ऊपर भी 27,500 रुपये का कर्ज आज हम सबके ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये देखने की ज़रूरत है कि आज हम कितने ज़्यादा अच्छे हो गए कि बुरे हो गए, ये जानने की और संकलन करने की ज़रूरत है। और ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, गाँव गाँव पहुँच रही है, गली गली पहुँच रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में लगी हुई है। और ये प्रियंका आए, चाहे राहुल आए, चाहे कोई भी आ जाए, और भूपेश बघेल जी को इस बार याद दिलाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता क्या हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करेगी। विजयी हार जीत तो लगा रहेगा, मगर ये ज़रूरी है कि हम जनता की मांगे उठाते रहेंगे और उनके जो 36 वादे जो उन्होंने नहीं कर पाए उसको मुखर होकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, जो लोग वहाँ के जो अधिकारी निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर वो दायित्व सौंप रहे हैं ताकि वो प्रियंका वाड्रा के कार्यक्रम में भीड़ ला सके। उनके लेटर हेड के माध्यम से ये जाहिर भी हो चुका है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि प्रियंका वाड्रा क्या यहां की विधायक है कि मंत्री है कि लोकसभा के सांसद है, जिनके लिए आपका पूरा सरकारी तंत्र इस पे जुटा हुआ है और ये आपकी सरकार की असफलता का जीता जागता प्रमाण है कि आपको अपने योजना पर, आपके अपने जो आदेश आप लोगों ने किए थे वो पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं। गरियाबंद में तेंदुए की खाल की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला गरियाबंद जिले के कोपेकसा गांव का है, जहां तेंदुए की खाल को बेचने के फिराक में बैठे 3 लोगों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर ने की है। बता दें कि तेंदुए की खाल सहित घटना में प्रयुक्त लोहे की टंकी और छुरी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। खाल को बेचने के फिराक में थे ये जो तेंदुआ है, इन्होंने पीपरछेड़ी थाना क्षेत्र के जंगल में इन्होंने जहर देकर इसकी हत्या की थी। और सिटी कोतवाली का जो बारू का जगह है वहाँ पर एक ग्राहक की तलाश कर रहे थे, उस दौरान हमारी स्पेशल टीम और थाना कोतवाली के जवानों द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। जांजगीर के विकास खंड अकलतरा में
अकलतरा एनएच रोड पर एक ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया जिसमें 28 मवेशी भरे हुए थे जिनका अवैध परिवहन किया जा रहा था। तो वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि वाहन के नंबर से चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें 28 मवेशी भरे हुए थे जिनमें से 5 की मौत हो गई है। वहीं तस्करी में प्रयुक्त वाहन ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। प्राइम छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।